بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله اله طاهرين الله على آداء اجمعين الى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو اصدق القائلين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين تمام عالم البشريه وخصوصا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اهل البيت السَّلَامِ الصلاه والسلام كي مانين والو و चाहنه और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खलीफा और औरत मा के बारे में इमाम इमाम मेहंदी अलह सलासम हजिबन हसन तआला फरजहु शरीफ की विलादत बस आदत पर मुबारकबाद पेश करते हैं आज इमाम जमान सलाम यानी पंद्रह शाबान चौदह सौ बयालिस हिजरी 21 मार्च 2021 हज़ार ईसवी और 9 फरवरी 1400 हिजरी शमसी में कमरी एतबार से ग्यारह सौ सत्तासी साल के यानी एलेवन हंड्रेड एंड एट्टी सेवन ईयर और शमसी कैलेंडर के हिसाब से ग्यारह सौ चौंतीस साल यानी एलेवन हंड्रेड एंड थर्टी फोर ईयर के हो गए अब ये जो 53 ईयर का डिफरेंस है इसकी वजह ये है कि सोलर कैलेंडर 365 डेज 8 आवर 48 मिनट और 34 सेकंड का होता है और कमरी कैलेंडर 354 डेज 5 आवर 48 मिनट और 48 सेकंड का होता है एक साहब के जो दावा करते हैं इलमी किताबी होने का और दुआ है कि खुदाबंद तबारक व ताली उनके इलम में इजाफ़ा फरमाए और जिस तरह से वो इतिहाद की बात करते हैं दुआ है कि वो दूसरों के अक़ायद का एहतराम करें और उनके बुज़ुर्गों की तोह ना करें वो उम्र कहते हैं कि शीयों के इमाम ग़ार में छुपे हुए हैं ऐसा हमारा कोई अक़दा नहीं दूसरी बात यह कि इमाम का फ़ायदा क्या कि जो छुपा हुआ हो तो यहां पे बताते चलें कि जो फायदा हजरत ईसा सलाम का है वही फायदा उनका है जिस तरह से आप हजरत ईसा के वजूद को माजअल्ला बेसब और बेकार नहीं साबित कर सकते बिल्कुल इसी तरीके से इमाम जमान सलाम के वजूद मुकदस को बेकार साबित नहीं कर सकते बस जो दलील और जो फवायद आपके लिए साबित हैं हज़रत ईसा आल सलाम की नबूबत में वही फ़वाद हैं इमाम मेहंदी अलह सलाम के वजूद मुकदस में कुतुब अल सुन्नत में चार अम्बिया की हयात का जिक्र है कि जो अभी भी हयात हैं उनमें से दो आसमान में हैं और दो ज़मीन में वो जो आसमान में हैं उनमें से एक हज़रतलातलम है और एक हज़रत इदरीसुसम हैं ये हज़रत इदरीस हज़रत आदम के बाद हज़रत शीसलातलम और हज़रत शीस के बाद हज़रत इदरीसला सलाम तो अंदाज़ा लगा लें कि इनकी उम्र क्या होगी कुरान मजीद में उनके लिए सुर मरियम में जिक्र हुआ वरफ़ा आना हो मकानन अली क्या कि हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया कुतुब अहल सुन्नत में हज़रत इद्रीस के हयात के लिए इसी आयत से इस्तलाल किया जाता है कि वो आसमान पर बाकी हैं और हयात हैं इसी जिसम के साथ और अहदीस से महराज में है कि रसूल अल्ला वम ने उनसे उसी तरह से मुलाकात की जिस तरह से हज़रत ईसा आलातम से मुलाकात की और दो अम्बिया ज़मीन में हैं एक हज़रत खजर और एक हज़रत इलियास आल हिम्मत बस ये जो आपने कहा कि उनसे कांटेक्ट ना हो सके तो क्या फ़ायदा तो यहाँ पे हम सवाल करेंगे कि इन तीन के बारे में यानी हज़रत इदरीस के बारे में और हज़रत इलियास के बारे में और हज़रत खजर के बारे में मुमकिन है कि आप जोर लगा के कह दें कि इनका कोई वजूद नहीं है और रिवायात ज़यीफ हैं लेकिन हज़रत ईसा के बारे में आप क्या कहेंगे बस जो फवायद हज़रत ईसा सलात के वजूद मुकदस के हैं और जिस तरह से अल्लाह सुबहाना ताल के नबी की बरकतें दुनिया तक पहुंच रही हैं और जो हदफ अल्लाह सुबहाना तैाल का हजरत ईसा की हयात से है वही फवाद इमाम जमान सलाम इमाम मेहंदी से हैं और वही बरकत इमाम मेहंदी से हैं और वही फवाद इमाम मेहंदी के वजूद मुकदस के हैं बस अगर आप ये कहें कि इमाम मेहंदी का क्या फ़ायदा जबकि ना एस एम एस हो सकता है ना फोन कॉल हो सकती है तो यहां पर आपको यह ज्यादा सवाल करना चाहिए और कुरान पर एतराज करना चाहिए कि हजरत ईसा का क्या फायदा है जबकि ना कॉल हो सकती है ना महसूस हो सकता है यह वाज रहे कि इमाम मेहंदी सलातलाम इमामत फरमाएंगे हजरत ईसा सलात की और यह भी वाजे रहे कि अल्लाह सुबहान हज़रत ईसा सलातम को जिंदा रखा है इमाम मेहंदी सलातम की नुसरत के लिए अब यहां पर हम चंद उन लोगों की भी तवज्जो दिलाएं कि जो कौम में इख्तलाफ डाल रहे हैं और अगर कोई दिफा करता है अक़ायद शिया का तो वो और उनकी पूरी मिशनरी पीछे लग जाती है गालियां देने के लिए और तोहमतें लगाने के लिए और एम आई सिक्स का बनाने के लिए उनसे हम सवाल करते हैं क्या आपके निज़ाम इमामत में इमाम मेहंदी अलसलात के लिए इमाम ज़मान सलात के लिए कोई गुंजाइश है क्या आपका ये निज़ाम इमामत इजाज़त देता है आपको कि आप इमाम मेहंदी अलहतम यानि इमाम जमान सलाम का दफा कर सकें कोई नई तहक़ीक़ का तो इम्कान नहीं है कि आप आप भी यही नज़रिया रखते हों अगर आप निज़ाम इमामत के वाकन तरफदार हैं तो अगले पंद्रह शाबान तक आय अहलैतम्सम की इमामत और इसमत और खूस इमाम जमान स के वजूद मुक़दस के लिए आप और आपके मदरसे में जो मौजूद हैं और जो तालबिल हैं वो कोई ना कोई काम करें क्यों कि निज़ाम इमामत बग़ैर आय में अशर की इमामत के इस बात के और खसूस इमाम जमान साम के वजूद मुकदस के इस बात के सबित नहीं हो सकता कहीं ऐसा तो नहीं कि अब कोई इमाम जमान साम का भी दफा करे तो वो भी दुश्मन का एजेंट हो दुआ है कि खुदा व तबारक व ताली हम सबको महम्मद वाल महमद वसलाम की मार्फ़त और इताद की तोफ़ी फरमाए और उन पर कहीं से भी एतराज़ हो उनका जवाब देने की तोफ़ीकतः फरमाएँ व सल् महमद